मैंने कहा वही भरी है अभी तक मनों में गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। नहीं, मेरा जवाब एक लाइन में, बस एक बहुत छोटा जवाब। मैंने कहा और बात समझने को तैयार रही, मैंने कहा वैधानिक रूप से बताइए, आपने जितने लोगों का नाम लिया मैं उनका सम्मान करता हूं, वैधानिक रूप से स्त्री और पुरुष की बराबरी के लिए कोई पुस्तक लिखी गई हो, वैधानिक मतलब कानून। इस देश में कोड़े पड़ते थे, स्त्रियों को सती कर दिया जाता था, कौन सा कानून था? आप क्या बात करते हैं? आप इस तरह के नाम फिलोसफर्स के, हमारी वीरांगनाओं का नाम लेकर आप यह बताना चाहते हैं कि नागरिक थे? लोकतंत्र तक नहीं था, नागरिकता की बात करते हैं, राजा और प्रजा के संबंधों को आप गौरवपूर्ण बात करते हैं, और यह संयोग नहीं है कि जितने रियासतें थी उस समय अंग्रेजों के साथ, वही आपके जितने आरएसएस का पूरा अभियान था उसका संरक्षण करते थे, और यही वजह है आप असली बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। उस आजादी की लड़ाई में आप कहां थे? कहां थे आजादी की लड़ाई में? अच्छा, कहां थे आजादी की लड़ाई में बताइए, सुनिए, आजादी की लड़ाई में ये बताइए, 2022-23 का बताइए, छोड़िए, हो गया, लक्ष्मीबाई ने आपका कोई योगदान नहीं था? लक्ष्मीबाई ने आपका क्या योगदान था? अच्छा, लक्ष्मीबाई जी में आपका क्या योगदान था जरा? मैं नहीं कह रहा हूँ देश के लिए, ये कर रहे हो, कमाल कर रहे हो, ये कर रहे हो, मैंने कमाल, आपसे पूछा जा रहा है 2022-23 में लोग परेशान है उनके बारे में बात कीजिए, तो आप इतिहास पहलवानों की बात नहीं होगी? लक्ष्मीबाई मुझे लगता है ये अनुराग भदौरिया जी को सुनाई कम पड़ता है क्या? भदौरिया जी आपको सुनाई कम पड़ता है क्या? आपके बगल वाले माहौल 5,000 शब्दों में बोला, इन्होंने बोला भाई, अच्छा चलिए अब आज की बात, जवाब दे, आज की बात, जवाब दे दो, अभी सुन लीजिए, अब आपने पूछा हमसे ना, अरे आज की बात मैं बोल रहा हूँ ना, आपका अब एक अनुराग जी, एक जवाब दे, आज राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय पार्टी तक सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की पार्टी नहीं रह गई है, ये है देश के मन की बात, बाकी सब प्राइवेट लिमिटेड सन्स एंड डॉटर्स और कुछ नहीं, खत्म। बोलिए मन की बात, बोलिएगा ये सवेरे में उस समय जब आपके साथ डिबेट में था, एक बात और, परेशान होने लगे, अरे परेशान आप दिखाई पड़ रहे हैं, नृत्य शैली में आप बोल रहे हैं, हाथ मत हिलाइए ऐसे, कोई नृत्य कर रहे हो, नाटक नाटिका कर रहे हो, इनका परिवार सुन लीजिए, इनका परिवार क्या है, इनका परिवार वो है राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, वो परिवार में नहीं आते हैं, पूरा सिंधिया परिवार पार्टी चलाते हैं क्या? सुन लीजिए, मैं पंकज सिंह पार्टी चलाते हैं, क्यों क्यों नहीं भाई, एमएलए है ना, एमएलए क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमएलए पार्टी चलाते हैं, आप कभी पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं? पूरा नोएडा नहीं चलाएंगे, आप मेरी बात सुनिए, अनुराग जी आप कभी पार्टी अध्यक्ष बनिएगा, मैं पूरी बात कर, भैया जी आप हार डुलते ज्यादा, हम तो चाहते हैं कि आप फले फूले पार्टी अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी में, ताकि एक परिवार का वर्चस्व खत्म हो, बोलने देंगे तो क्या चलेगा, सवाल पूछ रहे जवाब, अरे दे तो रहा हूँ भाषण देने थोड़ा, अरे पूरी बात मैं सवाल सुन लिया, अब मेरी बात तो पूरी हो जाए, एक दिन आप पार्टी अध्यक्ष बनिएगा, आप सुन तो लीजिए, एक वो दिन आएगा जब अनुराग भदौरिया भी समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष बनेंगे, तो दे दें उनको, इनसे पूछिए चौटाला फैमिली के साथ सरकार किसने बनाई है, फैमिली कौन, वो पार्टी कौन चलाता है, अध्यक्ष कौन है, शिवसेना के साथ सरकार किसने बनाई, अध्यक्ष कौन था शिवसेना का, पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी, कौन अध्यक्ष था, बादल के साथ सरकार किसने बनाई थी, कौन अध्यक्ष था, जेडीयू के साथ सरकार किसने बनाई थी पटना में, कौन अध्यक्ष था, नहीं आ रहे, जेडीयू में कौन था भाई, बोलो जेडीयू में कौन था, जोड़िए जेडीयू में कौन सा परिवार था, बोलो बोलो जेडीयू में कौन सा परिवार था, फंस गए, गलत पॉइंट पे आ गए, जेडीयू में परिवार बताइए, जेडीयू में परिवार बताइए, बात करने दो, टोको मत सर, हाथ चलाने से ज्यादा दिमाग चलाइए, कम चलाइए, अभी तो इतना ही परिवार खोला है, पूरा परिवार ही परिवार है भारतीय जनता पार्टी में, इनको क्या चाहिए, सत्ता, सत्ता पाने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं, और जब उनके साथ सत्ता मलाई लेनदेन में कम हो जाता है तो आधे भाग जाते हैं, जेडीयू भाग गया, पीडीपी के साथ समझौता खत्म हो गया, बादल जी भी चले गए, शिवसेना का दो फाड़ हो गया, आप सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए आपको सुना दूं, आप जनता की बात तो करते नहीं, तो मैं बोलता हूं, कह दूं तुम्हें जनता के मन में क्या है, कह दो तो बोलूं, पोल यहाँ पे खोलूं, ये भी वादा है, सोचा इन्होंने कि चलते ही जाएं, झूठ और जुमलों की दुनिया बसाएं, सोचा इन्होंने जनता को रास्ता भुलाएं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ाएं, अरे हाँ अरे हाँ, और सच है ना फिर ये क्या बोले, नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे, कमाल है भाई,
ये वो लोग हैं। देखिए मेरा मानना है अनुराग जी को डिबेट की बजाय अच्छा वो इंडिया लाफ्टर शो और इंडिया सिंगिंग वाले शो में ज्यादा जाना चाहिए। ऐसे ऐसे करते तो क्या, क्योंकि फिल्मी गाना गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अब जवाब सुनो, बोलिए आज जवाब। इसलिए बात परिवार आप श्लोक सुनाइएगा वहाँ ही गाना गाएंगे। सब अपने अपने लेवल पे बात करते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक इन्होंने परिवार की बात कही है तो हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए पिछले 30 सालों से जब से आपकी पार्टी अस्तित्व में आई है, तो कब से अस्तित्व में आई पता है आपको? आप बताइए ना, मैं तो बताऊंगा ही। नाम बताइए, डेट। 91 की बात कर रहे हैं ना, 91 की बात कर रहे हैं ना। चलिए अब मैं बताता हूँ, एक पार्टी बताइए। इनकी आदत देखिए, सुनिए, इनकी आदत है विपक्ष से सब कुछ पूछना है। सत्ता पक्ष 10 साल से सरकार में, अपना बताओ ना प्रभु। हाँ बता रहा हूँ, अपना आपने सत्ता की मलाई की बात कही, उनसे पूछिए एक उत्तर प्रदेश की पार्टी बताए जिससे गठबंधन ना किया हो। नाम बताइए। तो मैंने कब कहा कि मेरा गठबंधन नहीं? मैंने कब कहा? बीजेपी से नहीं किया था, बता दीजिए। कौन करेगा बीजेपी से? पहली बार मुलायम सिंह यादव भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने 1989। हमारी 56 सीटें थी, इनकी 180 थी। हमने राम मंदिर के मुद्दे में जब उन्होंने गोली चलवाई तब समर्थन वापस किया, तो कांग्रेस से समर्थन लिया। उसके बाद बसपा से समर्थन लिया, उसके बाद छोटे छोटे दलों से समर्थन लिया। मनाली के चक्कर में घाट घाट का पानी पीकर अब घर के रह गए ना घाट के।